दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन नमकीन जिसमें हमने 3 से 4 प्रकार के अलग अलग नमकीन को मिलाकर इसे बनाया है जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया मददगार होगी। इस वीडियो में हमने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा है तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस नई रेसिपी को। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही शानदार हम नमकीन बना रहे हैं। ये एक प्रकार की मिक्स नमकीन है। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे बेसन। ये चने का बेसन एकदम बढ़िया फाइन बेसन है। इस बेसन को हम छान कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली और कोई दाना ना रहे। तो बेसन यहाँ पर पूरा छान कर हम ले लेते हैं। तो दोस्तों ये 5 किलो बेसन ले लिया हमने। अब हम इसके अंदर मोण के लिए तेल ऐड करेंगे। तो इसके अंदर हम 250 ग्राम तेल ऐड करेंगे। तो ये रिफाइंड ऑयल है 250 ग्राम ले लेने का ताकि हमारी जो सेव नमकीन बनेगी बहुत ही खस्ती और सॉफ्ट बनेगी। इसी के साथ अब हम मसाले ऐड करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर मसालों के तौर पर मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ कि जो मिर्ची पाउडर हम यूज़ करते हैं हमारी नमकीन के अंदर, अगर हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे तो नमकीन का कलर बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है। तो हमारे पास है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की बालाजी कंपनी की लौंगी मिर्च। इस मिर्च का स्वाद बहुत ही तीखा होता है और ये ऐड करने से जो कलर है वो ज़्यादा लाल नहीं आता है, एकदम नमकीन का कलर येलो रहता है और इस मिर्ची की वजह से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। ये कोल्ड प्रोसेसिंग द्वारा निर्मित सुपर फाइन क्वालिटी है बालाजी लौंगी मिर्च। अगर इसे आप खरीदना चाहते हैं तो अमेजोन पर ये अवेलेबल है और ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदने के लिए आप डिस्प्ले पर नंबर देख रहे हैं, कंपनी से संपर्क कीजिए और इसको आप खरीद सकते हैं। तो अभी ये लौंगी मिर्च जो है हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये 5 किलो बेसन है तो इसके लिए हम यहाँ पर ये 250 ग्राम मिर्ची ऐड करेंगे। हम थोड़ा सा तीखा बना रहे हैं नमकीन, अगर आप कम तीखा चाहते हैं तो आप मात्र 200 ग्राम ऐड करें। इसका जो कलर है ब्राउन होता है और रेगुलर मिर्च पाउडर का जो कलर होता है वो लाल होता है। तो ये ब्राउन होने की वजह से नमकीन का कलर ज़्यादा लाल नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम मसाला तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिया है साबुत जीरा और साबुत धनिया को मैंने हल्का सा भुना हुआ और दरदरा करके इसको हम पीस कर तैयार करेंगे इसका पाउडर। तो ये दोनों को मिलाकर मैंने लिया है 100 ग्राम। तो ये पाउडर तैयार हो चुका है एकदम बढ़िया और एकदम बारीक। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर काली मिर्च और लवंग को मिलाकर मैंने लिया है 100 ग्राम। थोड़ा सा मैंने बोला कि स्पाइसी बना रहा हूँ तो मैं मसाला थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ। तो 5 किलो के लिए मैंने 100 ग्राम काली मिर्च को और लवंग को मिलाकर लिया, दोनों 50-50 ग्राम है। इनको भी पीस कर एकदम बारीक पाउडर तैयार कर लेता हूँ। तो काली मिर्च और लवंग को पीस कर इसका भी ये पाउडर हमारा तैयार हो चुका है। दोस्तों किसी भी नमकीन को बनाने के लिए उसके अंदर मसालों का ऐड होना बहुत ज़रूरी है और जब तक मसाले नहीं आते हैं तब तक नमकीन की कोई स्वाद नहीं होता, इसीलिए मसाले नमकीन का एकदम जान है। तो अब दोस्तों यहाँ पर दूसरे मसाले, जैसे कि सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे। तो 5 किलो बेसन है तो इसके लिए हम 150 ग्राम नमक लेंगे और अब हम यहाँ पर जो काली मिर्च और धनिया जीरो को हमने पीस कर लिया है वो मसाला भी ऐड करेंगे। मसालों की जो क्वांटिटी मैंने बताई है उसी हिसाब से आप लीजिए, अगर आप कम लेंगे तो स्वाद भी कम आएगा, इसलिए हर चीज़ को हमारे बताए अनुसार बनाइए, 100% एकदम परफेक्ट नमकीन आपकी बनेगी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दोस्तों 1 टीस्पून के जितना हींग और अब फाइनली इसके अंदर ऐड करेंगे दोस्तों हम पापड़कार सोडा। अगर आपको ना मिले तो पापड़कार सोडा की जगह आप जो है अपना खाने का सोडा आता है नॉर्मल वो भी ले सकते हैं। तो ये पापड़कार सोडा हम यहाँ पर ऐड करेंगे 50 ग्राम। 1 किलो का मेजरमेंट बोलूँ तो 1 किलो में पापड़कार सोडा या कोई भी सोडा 10 ग्राम ऐड किया जाता है। तो ये पापड़कार सोडा ऐड हो चुका है और अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से पूरा मिक्स करेंगे, फिर इसके अंदर पानी लेकर इसका एक बढ़िया सॉफ्ट डो लगाएंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों पानी लेकर
एकदम बढ़िया सॉफ्ट डो लगाएंगे। तो 5 किलो बेसन के लिए हमें यहाँ पर 2.5 लीटर पानी लगेगा। किसी भी नमकीन का डो लगाते वक्त एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि पानी एक साथ में पूरा ना ले, थोड़ा थोड़ा पानी लेकर डो लगाइए। तो बेसन का डो हम यहाँ पर लगा चुके हैं एकदम बढ़िया, और आप देख सकते हैं बढ़िया सॉफ्ट डो हमने लगाया है। इस डो के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों जो मसाला हमने ऐड किया है वो मसाला आपको दिखेगा, जो बारीक बारीक कण आपको ब्लैक ब्लैक दिखेंगे ना वो मसाला है, और इसी मसाले की बदौलत इसके अंदर स्वाद बड़ा ही अच्छा आता है। तो अभी हम इसकी नमकीन बनाते हैं। इसी डो से हम 2 प्रकार की नमकीन बनाएंगे और दोनों साइज में आपको बताऊंगा और दोनों का अलग अलग जारा रहेगा। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर इस मशीन से ये सेव बनाएंगे। तो सेव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1.5 नंबर जाली। 1.5 नंबर जाली से बीकाजी भुजा जैसी सेव बनेगी। तो इसको हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और यहाँ से हम इस डो को जो है इस मशीन के अंदर भरेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है दोस्तों सोयाबीन का तेल। नमकीन बनाने के लिए सोयाबीन का तेल या सनफ्लावर का तेल ले सकते हैं। तेल को मैंने यहाँ पर कर दिया है मीडियम गर्म, और यहाँ पर इस तेल को पहले हम इस तरीके से रोटेट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इस मशीन से तेल निकालते हैं। जैसे ही सेव तेल के अंदर डूब जाती हैं झाग आ जाता है, झाग वापस बैठ जाएंगे, और इस सेव को हम इस तरीके से रोटेट करेंगे। रोटेट करके इसको हम एक बार पलट देंगे। तो ये यहाँ पर पलट दिया, पलट के इसको वापस बाहर निकाल देना है। इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना है क्योंकि ये बारीक सेव बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। तो यहाँ पर इस बर्तन के अंदर सेव को निकाल देते हैं। नीचे एक न्यूज़पेपर या फिर बटर पेपर रखें ताकि इसके अंदर का एक्स्ट्रा ऑयल पूरा जो है इसके अंदर आ जाएगा। तो मैं इसी प्रकार से पूरा सेव बना लेता हूँ। तो दोस्तों हमने ये नमकीन तो पूरी बना दी है। इसकी साइज देख सकते हैं और इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, एकदम बढ़िया और एकदम खस्ती। ये देखिए, तो ये हमारी 1.5 नंबर सेव बन गई है, सेम बीकाजी साइज की है। और अब हम इसी डो से थोड़ी सी मोटी बनाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ये वाला जारा, ये हाथ जारा है दोस्तों, इससे हम घिसकर बनाएंगे। ये दोस्तों जारा जो है 40 नंबर है, इसकी जो है बारीक बूंदी भी बनती है और इससे हम सेव भी बनाएंगे। तो सेव बनाने के लिए हम यहाँ से इस डो को इस तरीके से इस जारे के ऊपर हमें लेना होता है। तो यहाँ से इस डो को हम कड़े ये जारे के ऊपर ऐसे घिसेंगे। नमकीन का स्वाद तो एक जैसे ही आता है लेकिन इसकी साइज अलग अलग होती है, क्योंकि मिक्स नमकीन के लिए अलग अलग साइज नमकीन बनाने से मिक्सर अच्छी भी दिखती है और स्वाद भी अच्छा आता है। थोड़ा सा पलटने का और पकने देने का, जब ये पक जाएगी तो झाग बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ये जाड़ी वाली नमकीन भी हमारी बन चुकी है। इसका भी कलर देख सकते हैं, बढ़िया सुनहरा भूरा कलर हो चुका है और एकदम बढ़िया ये कुरकुरी हो चुकी है। देखिए ऐसे टूट रही है। तो इसको भी हम ले लेते हैं बाहर और इसी तरीके से हम पूरी नमकीन बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो हमने ये मोटी वाली सेव भी निकाल कर तैयार कर दी है, बहुत सारी बनी है। और अब हम बनाएंगे मसाला बूंदी। तो अभी ये मसाला बूंदी है दोस्तों, इस मसाला बूंदी के लिए हम जो मसाला ऐड करेंगे वो है नमक। तो ये इसके अंदर नमक ऐड करेंगे हम। ये जो बेसन हमने लिया है यहाँ पर 2 किलो बेसन के लिए मैं यहाँ पर लूँगा 60 ग्राम नमक ले लिया हमने। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर बैटर लगाना है। तो ये 2 किलो बेसन का डो बैटर लगाने के लिए हमें यहाँ पर 2.5 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है।
बूंदी बनाने के लिए बैटर यहाँ पर रेडी है। ज़्यादा गाढ़ा ना रखे और ज़्यादा पतला ना, एकदम परफेक्ट बैटर हमने लगाया है। अब हम बनाते हैं बूंदी। तो यहाँ पर जारे के ऊपर इस तरीके से बैटर को ड्रॉप करेंगे ना, तो बूंदी ऑटोमेटिकली तेल के अंदर ड्रॉप होती जाएगी। तेल का टेम्परेचर बूंदी बनाने के लिए थोड़ा सा तेज रखें, ताकि बूंदी हमारी एकदम राउंड बनेगी और अच्छे से कुरकुरी पकेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बूंदी हमारी एकदम शानदार तरीके से राउंड राउंड बढ़िया पक रही है। एकदम परफेक्ट तरीका है दोस्तों, बैटर एकदम परफेक्ट लगा है, तो बूंदी एकदम परफेक्ट बन गई है। तेल का टेम्परेचर अगर सही रहेगा ना, तो बूंदी जल्दी एकदम अच्छी पक जाएगी, और अगर तेल का टेम्परेचर ठंडा रहेगा तो बूंदी हमारी राउंड नहीं बनेगी और एकदम चपटी बनेगी। इसलिए तेल को एकदम परफेक्ट तरीके से गर्म करें। तो बूंदी यहाँ पर देख सकते हैं बढ़िया बन चुकी है, एकदम बढ़िया मोती जैसा दाना। तो ले लेते हैं बूंदी को यहाँ पर दूसरे बर्तन के अंदर। तो दोस्तों ये बूंदी भी यहाँ पर हमने पूरी मसाला बूंदी बनाकर तैयार कर दी है। ये देखिए एकदम बढ़िया मोती जैसा दाना। तो ढेर सारी बूंदी हमने पूरी बना दी है। अब यहाँ पर ये जो मूंगफली हमने ली है, इस मूंगफली को हम फ्राई करेंगे। तो तेल यहाँ पर हमने गर्म कर दिया है धीमी आंच पर, और मूंगफली को हम अच्छे से पका कर ले लेंगे इस तेल के अंदर, क्योंकि मिक्स नमकीन के अंदर मूंगफली का आना बहुत ज़रूरी है। सिंगदाना आने से इसका स्वाद और शानदार आता है। सिंगदाना को धीमी आंच पर फ्राई करें। अगर आप ज़्यादा तेज आंच में करेंगे तो मूंगफली ऊपर से लाल हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेगी, इसलिए इसकी आंच का भी ध्यान रखें। हमने यहाँ पर 1 किलो मूंगफली ली है। तो मूंगफली यहाँ पर पक चुकी है, देखिए एकदम बढ़िया कलर आ चुका है। तो इसको ले लेते हैं हम बाहर तेल से। अब दोस्तों हम यहाँ पर ये जो पोहे हैं, पोहों को भी फ्राई करके ले लेते हैं। मिक्स नमकीन के लिए अटकुल जो होता है, जिसको चिवड़ा कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो इनको भी हमें गर्म तेल में फ्राई कर लेना है। पोहा हमने यहाँ पर 1 किलो लिया है, तो तेल के अंदर डालते ही ये फ्राई हो जाते हैं। तो देखिए तुरंत ये फ्राई हो चुके हैं, और इसी तरीके से इन सभी को फ्राई करके हम ले लेते हैं। तो दोस्तों ये है दोस्तों पोहा। तो पोहा के अंदर हम पहले हल्दी पाउडर डालकर इसको थोड़ा सा कलर डाल करेंगे, क्योंकि पोहा जो होता है ना, इसके ऊपर हल्दी पाउडर डालने से थोड़ा सा येलो दिखता है, नहीं तो फिर ये वाइट वाइट दिखेगा। तो इसको मिक्स करके फिर हम सभी नमकीन को मिक्स करेंगे। तो दोस्तों अभी हम सभी नमकीन को मिक्स करेंगे, इसके लिए सभी को एक बर्तन के अंदर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये भिकाजी वाली सेव जो है वो ले ली है। अब यहाँ पर हम गांठी सेव और बूंदी को भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पर ये आ गई दोस्तों मसाला बूंदी। और अब आएगी इसके अंदर ये गांठी सेव। तो ये मूंगफली, ये आएगा पोहा। तो ये सभी नमकीन मिक्स हो गई। अब हम इनको करते हैं अच्छे से मिक्स, और साथ ही साथ ये मसाला ऐड करेंगे। मैंने इस मसाले के अंदर धनिया जीरा पाउडर, काला नमक और चाट मसाला, 4 मसाले मिक्स करके अच्छे से इनको मिक्स कर दिए हैं। तो इन सभी को हम साथ ही साथ मिक्स करते जाएंगे। और इनको हम इस तरीके से पूरा मिक्स करेंगे, ताकि पूरी नमकीन एक स्वाद की बने। तो अच्छे से मसाला मिक्स हो गया, बहुत ही शानदार हमारी नमकीन बनी है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थानी ऑल मिक्स नमकीन। इसे बनाने के लिए हमने जो सामग्री ली है, सभी का मेजरमेंट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा।